पता है गुट्टू, तुम्हें देखकर मुझे मेरे दादा याद आते हैं। उम्र से? उम्र से नहीं यहाँ, तुम्हारी आवाज, बात करने का ढंग, कुछ तो मिलता है। पता नहीं क्या ये कॉम्प्लीमेंट है। गुट्टू, मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन तुम नाराज मत होना, कसम खावा प्लीज, प्रॉमिस। पहले बात क्या है बताओ, फिर प्रॉमिस करता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, पहले प्रॉमिस करो फिर बताऊंगी। ओके, प्रॉमिस। अब बताओ कैसी गलती। गुट्टू, मैंने वो सब मिटा दिया। आई एम सॉरी। नाराज मत होना प्लीज। बताओ क्या मिटा है तुमने। तुम्हारी किताब। आई एम सॉरी, मुझे डांटना नहीं प्लीज। ये क्या किया तुमने। छे, अब मैं क्या करूं। तुमने प्रॉमिस किया था तुम नाराज नहीं होगे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। अरे ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या। तुमने किससे पूछकर ये सब किया। सॉरी गुट्टू, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, मुझे माफ करना। अच्छी तरह से तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। तुम हो कौन, तुम क्या चाहती हो। तुमने सुना नहीं, कौन हो तुम। तुम मुझे जानते हो ना, फिर तुम क्यों एक अजनबी की तरह बर्ताव कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं चली जाऊं क्या। पसंद और नापसंद की बात नहीं है, तुम्हारा जरूर कोई मकसद है। वो क्या है मुझे बताओ। पहले तुम मेरे घर आई, पता नहीं तुम मेरी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही गुट्टू, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिखे पन्नों को जलाया है, उन पन्नों के बेमतलब शब्दों को जलाया है। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम तो एक मशहूर राइटर हो ना, इसलिए कबूल नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, पर मैं कोई मशहूर राइटर नहीं हूँ। मेरे लिखे हुए लेख कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन ये बताओ तुमने उसे जलाया क्यों। गुट्टू, तुम्हें खुद उसे जलाना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं जलाया इसलिए मैंने जलाया। किसी न किसी को तो ये काम करना ही था, तो मैंने कर दिया। देखो हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, बोलो ना। मान लिया, एक काम करो, ये जलते हुए कागज का फोटो भी ले लो, एक यादगार रहेगी।